कुछ बॉडीज है, अगर दो बॉडीज है और उनपे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तुम इन दोनों को सिस्टम मान लो। इन दोनों पे नेट फोर्स अगर जीरो है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। एफ एक्सटर्नल है और ए सेंटर ऑफ मास का है, एफ एक्सटर्नल है और ए सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। तो ए सी एम हो गया जीरो। अच्छा, ए सी एम क्या होता है, किसी चीज की वेलोसिटी अगर जीरो है, इस एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। श्योर, ठीक है, क्योंकि फोर्स ही है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। फोर्स अगर नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इससे आगे एक बात और कही जा सकती है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलो। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलो, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी तो बदली ही नहीं, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, फोर्स लगा ही नहीं। शुरू में अगर रेस्ट पे था तो बाद में भी क्या है, वो रेस्ट पे है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी। श्योर, बोलो। ओके, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज कि अब यहां से भी एक बात बाहर निकलती है कि अगर वेलोसिटी सब रेस्ट पे ही है, इसका मतलब बॉडी क्या है, बॉडी इज एट क्या, रेस्ट। बॉडी नहीं, सेंटर ऑफ मास इज एट क्या, रेस्ट। और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, इसका मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, वो जीरो हो गया। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं। और चेंज का फार्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर प्लस क्या एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई क्या, एम वन प्लस एम टू वेक्टर। अगर इसको तुम डेल्टा लगा दो तो डेल्टा एम डेल्टा यहां। अगर चेंज सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में जीरो है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, जीरो है, वेक्टर के साथ है। इसका मतलब कि एम वन एम एल डेल्टा आर एल, जितना लेफ्ट की ओर चेंज हुआ एम एल डेल्टा आर, इस चीज में चेंज जीरो है। यानी ये वेक्टर जितना इधर की ओर हुआ इज इक्वल टू ये वेक्टर उतना ही किधर हो गया, राइट की ओर भी हो गया। तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि किसी बॉडी, तो ये बात उतनी लंबी जाती है कि अगर किसी बॉडी पे खूब सारे सिस्टम है, दो सिस्टम अगर है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो, ये चीज होगी एम एल डेल्टा आर एल इज इक्वल टू एम राइट डेल्टा आर। ये चीज हम लोग लगाएंगे, ठीक है, कुछ सिचुएशंस में। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्लैंक है, ये कोई प्लैंक है कोई, और यहां पे एक आदमी कोई कोई खड़ा है, इसका मास कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि ये 70 केजी का आदमी है, ठीक है, या 80 केजी का आदमी है, राइट, और ये कुछ और ले लीजिए 20 केजी का बॉक्स है, राइट, ये प्लैंक 20 केजी का है और ये लेंथ आप मान लीजिए कि 10 मीटर है कुछ ऐसा। आदमी को चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत तो पड़ेगी, तो ये तो रफ है, ये सरफेस क्या है, रफ है, राइट, और ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम की जिस्ट जो है वो यही है कि दो चीजें हैं, उनके बीच कोई फोर्स, उनके बीच जिस फोर्स के कारण वो पास आ रहे हो, अगर ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है तो अट्रैक्शन की वजह से पास आएंगे, और अगर वो चार्जेस नहीं है सिर्फ मासेस है तो ये उस पर चलेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस आदमी को
ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां रहा होगा, तो ये इधर आएगा, तो इसको इधर आना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं बना रहे। मतलब इस प्रॉब्लम में अगर ये आदमी प्लैंक पे राइट साइड जाएगा तो प्लैंक किधर आएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। आप सेंटर ऑफ मास से भी समझ सकते हैं, आप फ्रिक्शन से भी समझ सकते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन आगे लगता है, पीछे नहीं लगता, उसी फ्रिक्शन की वजह से ही तो हम आगे चलते हैं, राइट? बात समझ में आ रही है? वैसे भी हमारे अगले पैरों के फ्रिक्शन पीछे और पिछले पे आगे लगता है, लेकिन ओवरऑल हम बोलेंगे तो आगे ही लगता है, ठीक है? तो आदमी पे फ्रिक्शन आगे लगा और इस पे लगा पीछे, क्योंकि आदमी पे फ्रिक्शन अगर आगे लगता है एफ, प्लैंक पे पीछे लगेगा एफ, जिसकी वजह से ये पीछे आएगा। लेकिन बेहतर है कि आप उसकी बजाय सेंटर ऑफ मास से समझ लें कि शुरू में ये भी रेस्ट पे था, इसका सेंटर भी और इसका सेंटर भी, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास भी शुरू में रेस्ट पे रहा होगा। अगर मैं मैन और प्लैंक दोनों को सेंटर मान लूं तो क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है और वो रेस्ट पे थे, इसका मतलब बॉडी का क्या हुआ, जितना मास, मतलब कंबाइंड सेंटर ऑफ मास वहीं रहा, भले आदमी इधर आया, लेफ्ट इधर आया, ये प्लैंक इधर आया, लेकिन नेट सेंटर ऑफ मास दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास वो स्पेस में वही रहा, राइट? तो मैथमेटिकली उस बात को हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है? चलिए, थोड़ी देर बाद हुआ क्या, प्लैंक आ गया यहां पे, प्लैंक आ गया यहां पे, इधर आ गया, आदमी आ गया यहां पे, ठीक बात है? ये एक्स दूरी इधर आ गया, प्लैंक, प्लैंक एक्स दूरी इधर आया, ठीक है? तो कितना मास इधर आया, 20 किलोग्राम का जो मास है वो किधर आया, लेफ्ट की तरफ आया एक्स, क्यों? और जो 80 किलोग्राम का मास है वो किधर गया, राइट की ओर गया। कितना, अगर ये रुका होता तो ये कितना मीटर जाता, 10 मीटर जाता, लेकिन ये 10 गया और ये वापस खींच लिया इसको एक्स से इधर, तो कितना चला, 10 माइनस एक्स, जितना मास लेफ्ट की ओर इंटू डिस्प्लेसमेंट, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, ये 4 गया, तो एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 4x, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, 40x कितना आ गया, 8 मीटर। यानी कि आदमी जब उस सिरे पे पहुंचेगा तब तक ये कितना चल पड़ेगा, बोलिए, 8 मीटर चलना पड़ेगा इसको, किसको, प्लैंक को, ओके, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक पुली है ऐसी, यहां पे कुछ जो है ये 2 किलोग्राम का मास है और यहां पे 8 किलोग्राम का मास है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू सिस्टम। भारी वाला नीचे जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ए पहले निकालो बॉडीज का, इधर कितना वेट था 80 और इधर कितना वेट था बोलो 20, दोनों में डिफरेंस कितना आया 60, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 60 बाय टोटल मास कितना हो गया 10, तो कितना हो गया एक्सेलरेशन। अब तुम देखो ये जो 2 kg का मास है ना, ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 6 m/s² से, और ये 8 kg का मास है ये कितने से जा रहा है, 6 m/s², तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या, m1 प्लस m2, ठीक बात है? वेक्टर की भाषा में बात हो रही है तो कहीं प्लस कहीं माइनस तो लेना ही पड़ेगा, इसे मैं प्लस ले लेता हूं, तो m1 into a1 यानी क्या 2 into 6 प्लस m2 into a2 8 into minus 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही ना, बोलो कितना आ गया,
एट माइनस 42 माइनस 4.2 क्या 3.6 इतना आया क्या? माइनस क्या बताता है? ऊपर प्लस लिए थे तो नीचे माइनस बता रहा है। माइनस क्या बता रहा है कि इसके कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है इसका और इसका वो दोनों किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। और उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कितना है? 3.6 है नीचे की तरफ। श्योर बोलो, टफ है क्या? चलो अब एक क्वेश्चन और देखो, कहता हूं कि यहां पे एक ब्लॉक है और यहां पे एक पुली है और यहां पे एक ब्लॉक। ये ब्लॉक जो है वो 8 केजी का है और ये ब्लॉक 2 केजी का है, राइट? और यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो कितना होगा, ठीक ना? बोलो, तुम देखो ड्राइविंग फोर्स तो यही दे रहा है ना केवल, इसका वेट कितना है 20 न्यूटन और टोटल मास जो इससे चल रहा है वो कितना है 10, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 20/10, दैट इज क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहां पे मोशन लिनियर था, दोनों एक ही एक्सिस के लॉन्ग चल रहे थे, प्लस वाई और माइनस वाई, कोई एक्स के लॉन्ग नहीं चल रहा था, है कि नहीं? पटेल सर की बुक का वॉल्यूम 1 मारने में यार क्या ले रहा हूं। हाँ ठीक है, तो ये 8 केजी, ये तो 8 केजी वाला किधर चल रहा है बोलो? इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये 2 किलोग्राम वाला किधर चल रहा है बोलो? नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है ना। 2 केजी वाला इधर जा रहा है, 8 केजी वाला इधर जा रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या m1 प्लस m2। तो ये m1 कितना है 8, a1 कितना है 2 i कैप प्लस m2 कितना है 2, a2 कितना है -2 डिवाइडेड बाई कितना -2 j कैप, क्यों बाई दोनों मास कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 16 i माइनस 0.4 j, यानी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की तरफ 1.6 होगा और इधर की तरफ कितना होगा 0.4। इन दोनों का तुम नेट निकाल सकते हो, तो कितने एंगल पे सेंटर ऑफ मास जा रहा है? इधर जा रहा है, यानी इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर जा रहा है। कितने एंगल पे है ये अल्फा? तो ये 0.4, तो ये भी कितना हो गया 0.4, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? दिस बाई दिस कितना 1/4, इतने एंगल पे जा रहा है। नेट कैसे निकालोगे? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 0.4 कॉमन ले लो, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 4, 0.4 √17। तो इस सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन इतना होगा और इतने एंगल पे होगा। कुछ समझे नहीं समझे? अगर मैं यहीं पे फ्रिक्शन डाल देता, ठीक है, मान लो 0.5 फ्रिक्शन डाल दिए, म्यू 0.5 फ्रिक्शन डाल दिए, तब क्या बोलोगे 20 इधर लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा पीछे बोलो? इसका वेट 80, म्यू इंटू 80, 0.5 इंटू 80 क्या हो गया? तो चलेगा ही नहीं, तब 0.2 ले लो, 0.1 ले लो, अच्छा तो 0.1 इंटू 80 कितना हो गया? फ्रिक्शन कितना लग गया 8 हो गया, 20 इधर और 8 इधर, तो कितना आ गया डिफरेंस 12 का बोलो? तब कितना आ गया ये 1.2 आ गया, है कि नहीं 1.2 आ गया। तब यहां क्या लिखोगे 1.2 आई इधर जा रहा है, 1.2 इधर जा रहा है, और ये 1.2 आई कैप और ये कितना 1.2 जे कैप, है कि नहीं? तब कितना आ जाएगा ये 0.96 आई कैप और माइनस कितना 0.24 क्या जे कैप, क्यों एंगल अभी भी वही होगा शायद? नहीं, चेक कर लेते हैं, 0.24 कॉमन ले लेना, तो कितना बचेगा बोलो 4 आई कैप माइनस क्या जे कैप, यही ना? तो ठीक है, अब तो निकाल सकते हो ना तुम, बोलो 4 आई यानी इधर और माइनस जे यानी इधर 1, ये क्या आ गया नेट इतना √17, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो 0.24 से, 0.24 √17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, और एंगल कितना हो गया टेन अल्फा, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, तो टेन अल्फा कितना हो गया बोलो 1/4, है ना? लिख लो,
एक्सेलरेशन कितना होता है, नेट फोर्स बाय मास, साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.6, और साइन 53 डिग्री कितनी होती है 0.8। इसका वेट कितना हुआ 200 साइन 37 कितना होगा 120, इसका वेट 50, बोलो 50 इंटू साइन 53 यानी कितना 0.8, 50 बताए थे, इसका वेट इंटू साइन दिस mg, ये m है और ये अल्फा है, तो mg साइन अल्फा, mg साइन बीटा, तो 200 इंटू साइन 37, 200 इंटू 0.6 कितना हुआ 120, और 50 इंटू साइन 53 यानी 40, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 80, बोलो डिफरेंस कितना आ गया, वही रख के जाइए ना आप, एक्सेलरेशन कितना आ गया बोलिए, नेट डिफरेंस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 80, डिवाइडेड बाय मास कितना हुआ 25, यानी एक्सेलरेशन आ गया आपका 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए अब आपको इंडिविजुअल एक्सेलरेशन नहीं निकालने, क्या निकालने हैं, सेंटर ऑफ मास का, ये 40 और 120 तो अपना फोर्स था मुझे लग रहा था। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया कि दो एक्सीज है, आपकी एक्स वाई ऐसे लेना पड़ेगा, देख रहे हो ये दोनों मिलके 90 है, तो ये भी कितना हो गया 90, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर की ओर कितना मास है 5 का मास है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है ए से, और इधर की ओर क्या हो रहा है 20 का मास है और कितने से जा रहा है ए से, राइट, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तुम इधर आई कैप मान लो और इधर क्या मान लो जे कैप मान लो, एक्स वाई हो गया, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन ए आई कैप प्लस इसका मास 20 इंटू इसका एक्सेलरेशन ए जे कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास 25, क्यों हुआ ना, बोलो अब कितना हो जाएगा, ये 5 4 बढ़ गया और ये कैंसिल हो गया, ए बाई 5 कॉमन ले लो, यहां क्या बचा आई कैप प्लस क्या बचा 4 जे कैप, यही ना बचा आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो नेट मैग्नीट्यूड कितना आ गया देख लो, मॉड ए कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी लोगे, कितना था एक ब्लॉक का 3.2 बाई 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया √17, तो इतना इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा, है कि नहीं, ठीक है कुछ समझ में आ रहा है, लिखो कितना नंबर पाया टेस्ट में आए हैं, उसी लॉजिक पे 10 क्वेश्चन तुमको इकट्ठा करा देते हैं, तुमको 4-5 पेज है तुम्हारी बुक में डीपीपी 2 में, उतना तुम होमवर्क करके आओगे, देखो मैकेनिक्स टुकड़े में ही सीखी जा सकती है, इकट्ठा तुम एक दिन नहीं सीख पाओगे, ठीक ना, तो थोड़ा प्रयास तुमको करना पड़ेगा। देखो ये मैन है, ये प्लैंक है 20 केजी का, ये मैन है कितने का 80 केजी का, मैन उस पार कूद जाता है तो बताइए कि कितना जो है प्लैंक कितना चलेगा, यही बात है ना, मैं इसको जरा मोटा कर देता हूं, इस प्लैंक को मोटा कर देता हूं, तो कैसा बन जाएगा ये, लो आदमी 80 किलोग्राम का और प्लैंक 20 किलोग्राम का, और ये ऐसा हो गया, अब आदमी स्लिप करेगा इधर तो ये जाएगा इधर, है कि नहीं, बोलो इन दोनों प्रॉब्लम को तुम्हारे लगाने के तरीके में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ये मैं बता दूं, इसकी मोटाई से नहीं घबराना, वाई एक्सिस में इसका मोशन हो रहा है उसकी चिंता ही मत करना, तुम केवल एक्स में सोचना, फिजिक्स में हमेशा वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, अगर तुम इन दोनों को सिस्टम ले रहे हो वाई में भले फोर्स लग रहा हो एम जी रिएक्शन, तुम उस डायरेक्शन को पकड़ो, ठीक है उस डायरेक्शन को पकड़ो जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहां क्या है बोलो स्मूथ है, तुमको वाई से क्या मतलब है, हाँ ठीक है ये वाई में नीचे आ रहा होगा, ये तो वही पड़ा हुआ है वाई एक्सिस में, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो नेट सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा होगा जरूर, ठीक है, मतलब कि तुम ये कहो कि इस वाले प्रॉब्लम में इन दोनों का वेट मिला के कितना है 1000 न्यूटन, ऐसे लग रहा है टेबल का धक्का भी 1000 न्यूटन लग रहा होगा, तभी दोनों का सेंटर ऑफ मास ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर ये आदमी बैठ जाए तेजी से बैठना शुरू कर दे एक्सेलरेशन ए से, तो क्या होगा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा
एक्सेलरेशन ए से, जितनी देर तक वो एक्सेलरेशन ए से बैठ रहा होगा उतनी देर तक क्या होगा, रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन नीचे है, नेट फोर्स नीचे होगा और रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। जितनी देर तक ये नीचे आ रहा होगा उतनी देर तक इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, तो क्या होगा, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, इन दोनों का वेट मिला के 1000 है तो यहां रिएक्शन कितना लग रहा होगा, 1000 से कम, तभी तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहां पूछेगा कि ये 10 मीटर है तो जब ये आदमी यहां से उतर के यहां आ जाता है राइट, तो वो कितना, तो ये कितना चलेगा, बात समझ में आ रही है, यही प्रॉब्लम है। इसकी मोटाई से नहीं घबराना, वाई में सोचना ही नहीं, एक्स में देखना तुम, ठीक है। यही प्रॉब्लम ट्रायंगल की जगह तुमको एक स्फीयर दे देगा कि ये स्फीयर है और स्फीयर का मास कितना है, 20 किलोग्राम, और इस ब्लॉक की जगह एक गोला दे देगा कि ये गोला है, इस गोले का मास कितना है, 80 किलोग्राम, इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी कितनी है, तो मान लो इसका रेडियस कुछ 10 मीटर हो गया या 6 मीटर हो गया, और इसका रेडियस कुछ 1 मीटर हो गया, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई कि नहीं हो गई। अगर ये रुका रहेगा तो ये ऐसे नीचे आएगा और इस पार आएगा, इस पार आएगा तो यहां आ गया, यहां भी 5 मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 ये और 5 ये, 10 ना, तो जब ये यहां से यहां जाएगा उतनी देर में गोला यहां से इधर जाएगा, तो ये भी वही प्रॉब्लम है। हर बार ये पूछेगा कि जो आपकी प्राइमरी बॉडी है इसमें कितना शिफ्ट होगा अगर सेकेंडरी बॉडी उतना दाहिने चली जाती है, तो सिचुएशन बदलेगी, कंसेप्ट नहीं। यहां पे प्लैंक ऐसा था, यहां पे मोटाई दे दिया, यहां प्लैंक की जगह क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, बात समझ में आ रही है, फंडा वही लगना। हर बार तो वही इक्वेशन लिखोगे क्या, कि ये राइट की तरफ गया, ये वाली बात तुम ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इन तीनों प्रॉब्लम का एक सलूशन क्या लिखोगे, कि ये जो है मान लो जैसे इसी में बोलोगे कि ये इसके रिलेटिव में ये 10 इधर गया, ये एक्स इधर आया, तो कौन लेफ्ट की ओर कौन आया, ये मास लेफ्ट की ओर आया, 20 इंटू एक्स लेफ्ट की ओर आ गया, इज इक्वल टू राइट की ओर कौन गया, ये कितना जाता, 10 जाता, लेकिन ये एक्स इधर चला गया, तो नेट कितना गया, मास इंटू 10 माइनस एक्स, यहां से भी वही रिजल्ट आया। यहां भी अगर ये रुका होता तो ये यहां से यहां तक एक्स में 10 जाता, लेकिन ये इधर आ गया एक्स, वही बात हो जाएगी, है कि नहीं। यहां पे एक ट्रॉली है, कोई कार्ट है, ठीक है, और यहां पे एक व्हील है, दो व्हील्स हैं, और इस कार्ट में यहां पे कुछ होल्स हैं, राइट, यहां पे इस मास, इसका मास 80 किलोग्राम है बॉल का, और कार्ट का मास 20 किलोग्राम है, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो तुमने इसे काट दिया, कैंची को से काट दिया इसको, बॉल को, अब ये बॉल गिरेगा और कई बार लुढ़कते लुढ़कते इधर उधर करके इसमें गिर जाएगा, तो कौन राइट साइड गया, बॉल, तो ये किधर आएगी, लेफ्ट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फिर वही लगाओगे तुम, बस आ रही है, फिर क्या करोगे। अगर मैं कहता हूं कि ये प्रॉब्लम ले लो, ऐसा कोई स्फीयर है, यहां एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास जो है 80 किलोग्राम है, और स्फीयर का मास कितना है, 20 किलोग्राम है, राइट, ये जब यहां से यहां आ जाता है तब तक ये यहां से यहां आ जाता है, बात समझ में आई, जब ये यहां से यहां आता है उतनी देर में ये इधर चला जाता है, बोलो, तो लेफ्ट की ओर कौन गया, हेमिस्फीयर, उसका मास कितना था, एक्स, तो 20 केजी तो किधर गया, एक्स इधर की तरफ गया, और बचा 80 किलोग्राम, वो किधर गया, बोलो, ये कितना हुआ, थीटा ये है, आर ये था, आर ये था, ये कितना हुआ, आर साइन थीटा। वैसे तो अगर ये रुका रहता तो यहां से यहां आने में कितना चलता, आर साइन थीटा, लेकिन ये एक्स खुद ही इधर चला गया, राइट, तो कितना हो जाएगा, माइनस, नहीं समझे, कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम, बात समझ आ रही है। तो 80 किलोग्राम क्या हुआ, कहां से आ जाएगा यार, ये एमबीएस पे ले लोगे क्या, अच्छा हाँ, 80 केजी, ये लेफ्ट वाला कितना गया, लेफ्ट की ओर कौन गया,
20 केजी कितना गया x, और ये कितना गया 80 केजी इधर की ओर, r sin थीटा माइनस x। अब क्या लिख दोगे तुम, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू क्या, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, नहीं निकल जाएगा ठीक है कि नहीं। और सिचुएशंस ले लो, एक मान लो कि एक गुब्बारा है और एक मंकी है, गुब्बारा 80 किलोग्राम का है और मंकी कुछ 20 किलोग्राम का है, बड़ा गुब्बारा है यार ठीक है, और मंकी जो है ये 20 किलोग्राम का है राइट, और बीच की लेंथ कितनी है 10 मीटर है राइट, तो ये पूरी चीज इक्विलिब्रियम में थी सही, तो इन दोनों का वेट कितना हो गया 1000 नीचे। अब की नेट फोर्स किस दिशा में जीरो है, वाई में, क्योंकि ऊपर की ओर धक्का कौन लगा रहा है, इसके अंदर एयर भरी होगी या बाहर की एयर ज्यादा डेंसिटी की होगी, तो धक्का लगा रही होगी, बायंट फोर्स लग रहा होगा, दोनों के वेट के अलावा एक फोर्स लग रहा होगा बायंट फोर्स, जिसकी वजह से वो बैलेंस होगा है कि नहीं। तो तुम कहोगे कि नेट फोर्स बैलेंस था, तो दोनों कहां मिलेंगे, मतलब ऐसी बात कर ले ठीक है, तुम बोलोगे कि यार ये एक्स इधर आएगा, बोलो ये अगर एक्स इधर आएगा, दोनों को मिलके कितनी दूरी तय करनी है 10, दोनों के बीच का फासला कितना था 10 मीटर का, तो ये एक्स जाएगा तो इसको कितना आना पड़ेगा 10 माइनस एक्स आना पड़ेगा, तो इसका मास इंटू ये दूरी बराबर इसका मास इंटू ये दूरी, वहां से ये आ जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो था, सेंटर ऑफ मास वही बना रहेगा, सेंटर ऑफ मास यही बना रहेगा, यहां भी इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जहां भी यहां पे कहीं होगा वही बना रहेगा, यहां भी इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका यहां है, इनका कहीं इस प्लेन में होगा वो वही बना रहेगा, यहां भी इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, इसका यहां था, सेंटर ऑफ मास यही बना रहेगा। मतलब क्या है कि ये जो है ये इतना इधर आएगा, ये भले इतना इधर आ जाए, ऐसे आ जाए, वो उधर चला गया, तो देख लो इसका सेंटर ऑफ मास यही था, ये तो बड़े स्फीयर का सेंटर ऑफ मास था, तो वो यहां से यहां आ गया, छोटा वाला यहां से यहां चला गया, मतलब यहां चला गया, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी भी वही है जहां पहले था, ये दोनों मूव किए, वो यहां से इस पार चला गया, ये उस पार चला गया, और ऐसा गए कि सेंटर ऑफ मास वही रह गया, नहीं समझे बात को ठीक है, ये केसेस हुए। अच्छा और भी केसेस पॉसिबल, लिखो जरा इसको, सैटेलाइट है, सैटेलाइट में है कोई आदमी अंदर, तो आदमी इतने वेलोसिटी चलता है या इतना यहां से उस पार जाएगा, तो जो स्पेसशिप है वो कितना चलेगा, वहां भी फ्रिक्शन नहीं है, बाहर तो कोई फोर्स नहीं है, एक नाव है नदी के अंदर, नदी पर ठीक है, और आदमी नाव के इस पार से उस पार जाता है, नाव के इस सिरे से उस सिरे पे जाता है, तो नाव कितना चलेगी, सिचुएशन तो दुनिया में हजारों लाखों मिल जाएंगे, पंडा यही है ठीक है ओके। तो ये बात हो गई तुम्हारी, एक दो तीन और एक बात लिख लो यहां, यहां पे ये चल रहा है ना, कैपिटल M वाला चल रहा है, ये स्मॉल M1 है और ये M2 है, और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। चलिए ये चार केस और देख लेते हैं ठीक है, बातें वही है, हर बार बात वही है ठीक है, सुनना, ये 8 केजी है 2 केजी है, दोनों का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच तो होगा नहीं, किधर की तरफ होगा, भारी वाले की तरफ होगा, कहीं यहां होगा, इस प्लेन में होगा, बोलो। थोड़ी देर बाद ये यहां से यहां आ जाएगा, इधर आएगा, और ये यहां से यहां आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, क्यों, तब भी सेंटर ऑफ मास ये नीचे आया है, इसकी वजह से नीचे आएगा, लेकिन x में अभी भी उतना ही रहेगा सिचुएशन। तो अगर ये x चला, अगर ये इधर से इधर x चला, तो ये कितना चलेगा, 1 माइनस x चलेगा, बोलो, अगर ये x गया तो इसको कितना चलना पड़ेगा, 1 माइनस x। y में भले ही चेंज हो रहा है रिएक्शन, मतलब एक्सेलरेशन, लेकिन x में नहीं, x में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं ना, x में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो x में क्या लिख दोगे, ये मास इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, तुम खुद देखो ना, ये फोर्स है, ये सिस्टम हो गया, इस पे कितने बाहरी फोर्स लग रहा है, इन दोनों का वेट 100 न्यूटन
और यहां से रिएक्शन, जो भी फोर्स लग रहा है वो किस में लग रहा है, वाई में ही लग रहा है, एक्स में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, वही फ्रिक्शन होता है यहां तो वही फ्रिक्शन लगता, वो तो है नहीं यहां पे, है कि नहीं। तो क्या बोलोगे तुम, क्या बड़ा होगा, 100 बड़ा होगा कि यहां का रिएक्शन बड़ा होगा, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है ना, तो 100 बड़ा होगा कि रिएक्शन बड़ा होगा, 100 बड़ा होगा रिएक्शन से, क्योंकि वेट नीचे लग रहा है, रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और नेट बॉडी का सेंटर ऑफ मास किधर आ रहा है, नीचे, तो नेट सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो 100 बड़ा होगा, एन छोटा होगा, लेकिन एक्स में कोई फोर्स ही नहीं लगा, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, एक्स के लिए तो वहीं में, भले वाई में नीचे आ जाए, हमको उससे क्या लेना देना है। अब क्या करेंगे, राइट की ओर कौन गया, ये मास राइट की ओर गया, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट की ओर कौन आया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, काम हो गया। यहां भी यही बात, ये जब सीधा हो जाएगा, कोई गाड़ी है, गाड़ी के अंदर एक पेंडुलम है 8 किलोग्राम का, गाड़ी का मास 2 किलोग्राम है, जब ये सीधा हो जाएगा वर्टिकल, तब तक ये कितना चल पड़ेगा, तो ये अगर x चला, अगर ये रुका हो तो यहां से यहां तक आने में x में कितना चलना पड़ता, 1, लेकिन ये x उधर चला गया, नेट कितना चला, 1 माइनस x, तो लेफ्ट की ओर कौन गया, ये मास 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू राइट की ओर कौन गया, 8 किलोग्राम इंटू कितना गया वो, 1, ये हुआ माइनस x हो जाएगा, ये वही बात की, ये 8 किलोग्राम का एक रॉड है, सॉरी हेमिस्फीयर है, और ये 2 किलोग्राम का एक रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, फिर क्या होता है, जब ये स्लिप करेगा थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अगर इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी ये 1 मीटर रही हो, वैसे देगा नहीं दूरी आपको, आपको क्या पूछेगा वो, आपको लेंथ दे देगा, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी वहां ज्योमेट्री से, वैसे अगर मैं पहले से दे दूं कि इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का ये डिस्टेंस 1 है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल होगा, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बिल्कुल ऐसा, तो इसका सेंटर भी वही रहा, इसका भी वही रहा जहां पहले था, सॉरी दोनों का पहले पहले कहां रहा होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां रहा होगा ना कंबाइन, ये तो गोले का सेंटर ऑफ मास हो गया और ये किसका होगा, रॉड का, इन दोनों का कहीं यहां हो गया, इसी प्लेन में हमेशा रहना है, यानी सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा, इसी प्लेन में होगा, जब वो दोनों ऐसा हो जाएंगे लाइक दिस, तो रॉड हो गया कैसा हॉरिजॉन्टल, ये सिलेंडर भी कैसा हो गया, स्फीयर भी, वो भी हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में पड़ गए, वहीं पड़ गए, जैसे कि ये तभी वर्टिकल होगा, वहीं पे वर्टिकल होगा जहां की इसका सेंटर ऑफ मास पहले रहा होगा, यहां भी ये दोनों के सेंटर ऑफ मास जब यहीं पे है तो ये यहीं तो होगा, सेंटर ऑफ मास जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है दोनों का कंबाइन सेंटर ऑफ मास, वो तो स्पेस में वही रहेगा, जब एक यहां है तो दूसरे को उसी प्लेन में होना पड़ेगा ताकि कंबाइन भी वही रहे, नहीं समझे बात को, ये हॉरिजॉन्टल तभी होगा जब क्या होगा, वही होगा जहां ये ठीक इसके सीध में पड़ेगा, तो ये अगर x चला ये कितना चलेगा, 1 माइनस एक्स, लेफ्ट की ओर कौन आया, ये दिस इंटू दिस इक्वल दिस इंटू दिस कर लो, यहां भी वही बात है, अगर ये s दूरी चलता है ऐसे तो ये भी कितना चलेगा, s चलेगा, ठीक है, तो राइट की ओर कौन कौन आया, देखो m1 राइट की ओर आया, तो जब दोनों राइट आ रहे हैं तो ये किधर जाएगा, लेफ्ट, जब गोली उधर छोड़ी जाती है तो बंदूक इधर जाती है, वही वाला मामला है, वैसे भी दिख रहा है ये अल्फा है तो ये भी कितना हो गया अल्फा, ये कितना हो गया एस कॉस अल्फा, तो एम वन इधर की तरफ कितना आया, एस कॉस अल्फा, एम टू इधर की तरफ कितना आया, बोलो एस कॉस बीटा, बोलो, और कैपिटल एम कितना गया उधर, एक्स, मान लिया कि ये एक्स उधर चला गया, लेकिन जब ये एस का सल्फा एस साइन बीटा तभी सच होता जब ये रुका हो, लेकिन ये एक्स उधर चला गया तो ये नेट कितना गया होगा, एस का सल्फा माइनस एक्स, भाई ये 5 मीटर इधर आए और ये 1 मीटर उधर चला जाए तो नेट ये 4 ही गया ना, यहां भी क्या करोगे माइनस एक्स, तो राइट की तरफ कौन कौन आया, ये दोनों, और लेफ्ट की तरफ कौन गया, ये, तो ये मास इंटू ये डिस्टेंस एम वन इंटू क्या एस का सल्फा माइनस एक्स प्लस एम टू इंटू क्या एस कॉस बीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एक्स, यहां से एक्स आ जाएगा, नहीं समझे कुछ पल्ले पड़ा, होमवर्क लिखो डीपीपी से।
हेमिस्फेरिकल बॉडी है, यहां एक गोला है, ये यहां से यहां जाएगा तो ये कितना इधर आएगा, वही बात बोलो करना। जितना ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उतना क्वेश्चन तो तुमको कर ही लेना चाहिए, डाउट पूछो, बल्कि तुम जो है आज जेंट था क्यों, और हमेशा ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, किसी सर्कल में पढ़े होगे ये और ये एंगल बराबर होते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो, पीछे ले जाओ, थीटा 90 माइनस थीटा, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, और ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये कितना हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, और ये टेंजेंट और ये नॉर्मल है तो ये थीटा हो गया, और ये थीटा हो गया तो ये टोटल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है, ऐसी बात पूछना कि पढ़ाने की घृणा एकदम इच्छा की स्थिति में चला जाए, जिसको बड़ा सब पढ़ा रहे हैं सीखने चाहिए, जितने जो है क्या बोलते हैं लेंदी मेथड्स और जितने इक्वेशंस बना के काम होते हैं उतनी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम दो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, और बहुत हुआ तो तीन इक्वेशन रोटेशन में, बस तीन से ज्यादा बनेंगे ही नहीं, वो भी कुछ हद तक मतलब तुम कहने से नहीं समझोगे। एक ही प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से कर रहा हूं, तुम देखो क्या करते हैं, देखना ये कोई कोई वेज है, कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक है, राइट, और इसका मास जो है वो कैपिटल एम है, कुछ है राइट, और ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक है और ये वेज है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। डायनेमिक्स में तुम लोग पढ़े होगे लेकिन वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, न्यूटन्स लॉ के 60% प्रॉब्लम तो वर्क एनर्जी से सॉल्व हो सकते हैं, एनर्जी क्वेश्चन लिखो और डिफरेंशिएट कर दो, काम हो जाता है, वो मैं सिखा भी दूंगा तो करूंगा उसको, ठीक है। ये वेज किधर आएगा, वेज इधर आएगा क्योंकि ये नीचे गिरना चाहता है, उसका धक्का इसका, इसके दो कंपोनेंट होंगे इसके गिरने की चाहने के, एक ये और एक ये, तो ये उस धक्के की वजह से ये भी आगे आएगा, लेफ्ट आएगा राइट। ये ब्लॉक अगर तो ये ब्लॉक V1 के स्पीड से राइट, और ये कहीं इधर जा रहा है V2 के स्पीड से, अगर ये फिक्स्ड होता, अब समझो बात को, वेज तो ब्लॉक की स्पीड किधर है, एलॉन्ग द प्लेन है और वेज इधर जा रहा है, अगर ये रुका होता तो ये ऐसे जाता। अब फिजिक्स क्या करती है कि जो घटना साइमल्टेनियस घटती है समझने के लिए हम उसे दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं, कैसे कि पहले ये ऐसे गया फिर V2 इधर चला आया, जिस चीज पे वो रखा हुआ है वो चीज खुद ही इधर आ रही है राइट। तो समझो वेलोसिटी ऑफ बॉल ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये कितना हुआ बोलो, वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हुई बोलो, वो विद रिस्पेक्ट टू वेज यानी तुम कहां पे बैठे हो, वेज पे बैठे हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम वेज पे बैठे हो और तुम्हें ब्लॉक की वेलोसिटी क्या दिख रही है, V1 दिख रही है कि नहीं। ये कहते ही तुम्हें दिमाग में ये डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि तुम V1 की स्पीड से ब्लॉक जा रहा था लेकिन जिस चीज पे तुम रखे थे वो खुद ही इधर आ रहा था, तो इसका भी इफेक्ट V2 उस पे रहेगा राइट, ऐसा होगा। इन दोनों का नेट वेक्टर सम जो होगा राइट, कुछ ऐसा V1 ऐसा हो गया और V2 कुछ ऐसा हो गया, नेट ऐसा आ रहा होगा,
वो हमें नहीं दिखेगी। वास्तव में जो हमें दिखेगा वो हमें यही दिखेगा, हमें ये और ये नहीं दिखेगा। वे जा रहा है वास्तव में इधर। तो जब मैं बोलूं ब्लॉक की वेलोसिटी वेज के रिस्पेक्ट में, मतलब आप वेज पे बैठे और ये V1 इधर जा रहा है, ठीक है। और जब मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, इसका मतलब पहले आप वेज को रोक के सोचिए कि वेज के रिस्पेक्ट में हमेशा ये तो इधर ही जाएगा, लेकिन वेज खुद ही इधर आ रहा है तो उसका भी इफेक्ट ऐड कर लीजिए। इन दोनों का नेट कितना हो गया, वी नेट वेलोसिटी हो गई इनकी, है कि नहीं, बोलो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों डायग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल होने चाहिए बिना बनाए हुए। जब मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वेज को रोक दिया गया है। और कोई रुकी हुई चीज है तो कोई ब्लॉक हमेशा उसके टेंजेंशियल ही मूव करेगी इसी दिशा में, राइट। और जब आप उतरेंगे उस पर से तो जो आपकी वेलोसिटी थी V2 वो आप उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो देखने के लिए आपने उल्टा V2 लगा के इसको रोका था, राइट। तो ये मामला हुआ, ओके। एक केस मैं और लेता हूं, तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, नेट वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा। बीच का एंगल क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। तो क्या बोलोगे, वी नेट स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस क्या, पाई माइनस थीटा। ऐसा हो गया V नेट स्क्वायर को, क्यों? तो अगर कभी आपसे पूछे विद रिस्पेक्ट टू वेज तो वो V1 है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ये है, ठीक है, राइट, ओके। मैं एक बात कहता हूं कि कोई कुछ इस तरह की चीज है, ये जो बॉडी है ना, ये खुद ही जा रही है इधर की तरफ V2 के स्पीड से, और यहां से एक बॉल फेंका गया था ब्लॉक जो अभी यहां पे है, और ये किसी वक्त यहां से थीटा एंगल बना रहा था। ऑब्वियसली अगर इसे हम रोक दें, ये रुक जाए, तो इसकी नेट वेलोसिटी किधर होगी, इसके टेंजेंशियल ही होगी V1। ये V1 क्या होगा, इसके टेंजेंशियल होगा, राइट। तो V1 क्या है, V1 इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज, दिस स्ट्रक्चर, राइट। एंड V2 इज वेलोसिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन जब मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर चाहिए, तब आप क्या करेंगे, तब आप कहेंगे कि भाई जो इसका था वो तो था ही, राइट। ये अगर रुका होता तो ये V1 चलता, लेकिन ये खुद ही V2 आगे चला गया, और चूंकि ये इसके कांटेक्ट में है तो ये क्या होगा, V2 ये भी जाएगा। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, कुछ ऐसे, वी नेट ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, आपको ये एंगल निकालना चाहिए, देख लीजिए ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, ये कितना हो गया, थीटा हो गया। बीच का एंगल इन दोनों के कितना हो गया, थीटा हो गया। तो वी नेट स्क्वायर अब की कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा, राइट। ये सिचुएशन आ सकती है। एक केस मैं और ले लेता हूं, जब मैं कहता हूं कि कोई रॉड है, ठीक है, कोई रॉड है, इसमें एक रिंग यहां पे रखी गई है, ओके, और ब्लॉक यहां पे था, पास आया, ये थोड़ा आगे आया, एक ब्लॉक थोड़ा नीचे आया, किसी वक्त ऐसी हालत थी, इसकी स्पीड V2 है, सुनना ध्यान से, अगर इसको मैं फिक्स कर देता हूं, If this point, this ring is made fixed, right?
So length of this string is L, right? It will perform circular motion. ये कुछ अगर ये रुका होता तो कैसा मोशन करता? सर्कुलर मोशन करता, इसको सेंटर मानता हुआ. तो कभी भी मोशन समझना हो तो पहले जो प्राइमरी बॉडी है ये, इसको रोक दो. इसको रोक के सोचो तभी ठीक से विजुअलाइज कर पाओगे. इसको तुम रोके तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ना चाहिए? इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? टेंजेंशियल होगी. वेलोसिटी कभी भी नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती है, राइट? हमेशा टेंजेंशियल होगी. ओके, नेट वेलोसिटी इधर हो गई. तो ये v1 क्या है? इट इज वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग. रिंग के रिस्पेक्ट में है वो वेलोसिटी. और किसी वक्त ये एंगल थीटा था वर्टिकल से, राइट? तो अब आपको पूछा है कि v1 इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू रिंग, एंड रिंग की एक्चुअल वेलोसिटी वो v2 है. फाइंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग. इस रिंग की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. रिंग की नहीं, ब्लॉक की. तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अगर पूछे, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अगर पूछे तो क्या करेंगे बोलो? आपने ये v1 पकड़ा हुआ है ऐसे टेंजेंशियल, बोलिए, और ये थीटा है, तो क्या करिएगा? अगर ये रुका होता तो ये v1 से इधर जाता, लेकिन क्या हुआ, ये v2 से इधर जा रहा है. तो उसका इफेक्ट भी v2 का ले लीजिएगा. जो जा रहा है उसको रोक करके पहले इफेक्ट डालना, सोचना, और अब वो हट जाना. अब ये रुका हुआ था तो उसको भी v2 दे दो ताकि वो चल पड़े, इसको भी v2 दे दो ताकि ये चल पड़े. तो यहां v2 तुम दे दिए. तो वास्तव में तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें ये दिखेगा कि नेट वेलोसिटी इसकी इधर आ रही है. ये इधर नहीं होगी, टेंजेंशियल नहीं होगी, गलती से ऐसा कुछ बन गया है. तुम ये बात सोचना कि इसके परपेंडिकुलर है नेट वेलोसिटी उसकी. ठीक, मैं बना देता हूं. वी वन अगर मान लीजिए ज्यादा हो गया और वी टू कुछ ऐसा हो गया, तो इसकी नेट वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? नहीं समझे, राइट? सिचुएशन बदलेगा लेकिन फंडा वही रहेगा कि अगर एक प्राइमरी बॉडी है, एक सेकेंडरी बॉडी है, तो जब भी आपको मोशन को विजुलाइज करना हो तो ऐसा मत कीजिए कि इधर जाएगा तो उधर जाएगा तो ये होगा. ये वाला आइडिया ड्रॉप कर दीजिए. चीज़ों का अपना एक मैथमेटिकल तरीका होता है. तरीका यही है कि जो प्राइमरी बॉडी है उसको आप रोक दीजिए, मेंटली रोक दीजिए, और जब भी मोशन होगा तो उसके टेंजेंशियल सरफेस पे ही होगा. उसके अंदर तो घुस नहीं जाएगा, राइट? उसके टेंजेंशियल सरफेस पे ही होगा. जब टेंजेंशियल सरफेस पे वेलोसिटी आपने v1 एज्यूम कर लिया, दैट v1 इज विद रिस्पेक्ट टू दैट वेज, दैट प्राइमरी ब्लॉक, राइट? फिर क्या करिए, आप उस प्राइमरी ब्लॉक से उतर आइए नीचे. अब आपने जो वेलोसिटी दी है प्राइमरी ब्लॉक को v2, जो उसकी पहले थी, एक्चुअल उसकी तो वही थी, आप उसमें बैठे थे तो आपको जीरो लग रहा था, तो अब आप उसको उतनी वेलोसिटी दे दीजिए ताकि वो चलने लगे. तो उतनी वेलोसिटी आपने वेज को भी दी, वही इफेक्ट आप ब्लॉक पे भी लगा दीजिए. तो ब्लॉक की नेट वेलोसिटी उस v1 और v2 का रिजल्टेंट होती है. जहां v1 क्या है, वो ब्लॉक की वेलोसिटी वेज के रिलेटिव में है, और प्लस v2 क्या है, वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वेज है, राइट? कुछ लोग इसको वेक्टर से भी करते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूं. वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, किताबें ज्यादातर यही करती हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो आपको तो vbg आपको चाहिए, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए. ये क्या हो जाएगा, vbw प्लस क्या चीज, vwg. बस देख लो, जैसे पहले केस में मैं देख लेता हूं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना है, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज कितना है, v1 है, और वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, v2 है. तो दो वेक्टर जब भी तोड़ेंगे तो दोनों की पूछ एक जगह बांध देते हैं, ये v1 है और ये v2 है. अब इन दोनों का जो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट होगा वही होगा, वही डायग्राम बना है कि नहीं? लेकिन मैं चाहता हूं कि इतना समझाने में टाइम लगा, अगर तुम थोड़े भी समझदार होगे, कुछ नहीं करना है, सीधे सोच के तुम यूं ही वेलोसिटी लिख निकलो, मैं वही चाहता हूं. ठीक है, लिख लीजिए. टू फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, टू फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इफ
वी बी डब्ल्यू एंड वी डब्ल्यू जी आर गिवेन, वी बी डब्ल्यू एंड वी डब्ल्यू जी आर गिवेन। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज भी दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी दिया है। तो कुछ समझे, इसके बाद देखो हम क्या करते। अब सभी लोग यहाँ पे स्मार्ट ही हो, अब क्या किया जाए। ये ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे एक ब्लॉक है मास m का, राइट। तो एक फंडा तो ये लगेगा जो हम ये बताए, ठीक है। ये तो प्री रिक्विजिट है, समझिए कि आपको दो फंडे लगेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होता है, पढ़े हुए हैं कि f एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, क्लास 9th में, 10th या 11th में पढ़ाया गया होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड क्या, फोर्स, राइट। अगर फोर्स जीरो है एक्सटर्नल तो dp जीरो हो गया, यानी p क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम। p कंजर्व होता है, p क्या होता है, m इंटू वी। तो जब कभी भी किसी भी सिस्टम का पे नेट फोर्स जीरो है, जिस डायरेक्शन में जीरो है उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये लेंथ h है, हाइट इसकी h है। पहला फंडा तो ये लगने वाला है, हमेशा ग्राउंड पे बैठ के लगाएंगे, किसी बॉडी पे बैठ के नहीं। दूसरी बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो ऊर्जा जो कॉन्फिगरेशनल की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखती है, राइट। ये पेन है, अभी एनर्जी नहीं दिख रही कैप का, मैं गिरा दूं नीचे पहुंचेगा, उसके बाद वेलोसिटी होगी। तो अभी भी जो बीच का डिस्टेंस है ना, mgh एनर्जी, वही अभी नहीं दिख रही है, सिर्फ कॉन्फिगरेशन की एनर्जी है, शांत है सब कुछ, लेकिन इसी की वेलोसिटी हो जाएगी नीचे पहुंचने पे, यही ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखने लगेगी, राइट। तुम यहां पे ये करोगे कि जो भी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे चला गया, काइनेटिक एनर्जी में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो ये लॉस है ये गेन है, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये बात तुम पढ़े होगे, प्लस यहां माइनस यहां, हम उस तरह से बात नहीं करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा क्या करेंगे। बोला ये क्वेश्चन है कि जब ये ब्लॉक यहां से रिलीज किया गया, ठीक है, तो हुआ क्या कि ये ब्लॉक आ गया यहां पे, ब्लॉक तो यहां पे आ गया, ठीक है, और ये वेज कुछ इधर जा रहा होगा, तो ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट वो ग्राउंड से जाके टकराए, इसके पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, वो v1 क्या है, वेज के रिस्पेक्ट में है कि एक्चुअल है, वेज के रिलेटिव में है, और वेज की एक्चुअल कितनी थी, v2 थी इधर, राइट, ऐसा है। तो हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी लिखनी ही चाहिए, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि v1 तो इसकी रिलेटिव वाली थी, v2 जो इसकी एक्चुअल है उसको इसमें जोड़ दो, क्यों, और ये वेक्टर हमें हमेशा x और y डायरेक्शन में सोचना चाहिए, तो किसे तोड़ना पड़ेगा, v1 को, ये एंगल थीटा है, क्या लिखोगे, इधर की तरफ कितनी वेलोसिटी हो गई, v1 cos थीटा माइनस v2, और नीचे की तरफ कितना हो गया, v1 sin थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, ये किसकी वेलोसिटी हो गई, ये किसकी वेलोसिटी है, ये नेट ब्लॉक की है, ये उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है कि नहीं, ये उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, इनका जो नेट होगा वो रिजल्टेंट दे देगा, ठीक बात है, इनका जो नेट होगा वो रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है। अब तुम मेरी बात समझो, जब वो यहां से यहां आया है, समझो इस दोनों को तुम सिस्टम ले लो, तो एफ एक्सटर्नल दोनों पे क्या है, जीरो है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, क्योंकि यहां फ्रिक्शन है नहीं, वाई में जीरो नहीं है, वाई में टोटल वेट कितना है, एम प्लस एम जी नीचे की तरफ, और सेंटर ऑफ मास इसका नीचे आ रहा है, मतलब ये ब्लॉक दो ब्लॉक है और एक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और दूसरा वर्टिकल मूव कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे रह रहा है, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे आ रहा है, तो नेट सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा होगा, और नेट सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है इसका मतलब कि जरूर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, नेट एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ है, तो जरूर एम प्लस एम जी ज्यादा होगा और यहां का रिएक्शन कम होगा। अगर तुम यहां पे विकोल लगा के चिपका दो, यहां पे विकोल लगा के चिपका दो, तो टोटल वेट एम प्लस एम जी को रिएक्शन बैलेंस करेगा,
लेकिन अगर आप स्मूथ सरफेस पे छोड़ देते हैं, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये लेफ्ट जाएगा और ये अलॉन्ग द प्लेन जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। उस केस में रिएक्शन ऑफर्ड बाय टेबल ऑन द ब्लॉक ऑन द वेज दैट विल बी लेस देन एम प्लस एम इंटू जी, राइट, तो वो रिएक्शन कम होगा। बस समझ आ रही है? आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, ये बात गलत होगी। आप बोलेंगे सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, वर्टिकल में तो लग ही रहा है, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम इंटरेस्टेड तो उस डायरेक्शन में जिधर फोर्स नहीं लग रहा, ताकि हम लीनियर मोमेंटम लगा सके, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए चलिए, शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। इनिशियली रेस्ट पे था, इसकी भी वेलोसिटी जीरो थी, इसकी भी वेलोसिटी जीरो थी, नेट वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो क्या करिएगा, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। आपका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जीरो है, एक्स में ना, तो इसका मतलब कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा किस दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक बात है, ओके। वाई में कंजर्व नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम इज नॉट कॉन्स्टेंट इन क्या, वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा होगा। तो आपका क्या लिखिएगा, नेट लिनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट है, इसका मतलब m1 v1 लेफ्ट की ओर इज इक्वल टू m2 v2 राइट की ओर, यही ना है, कांस्टेंट है, क्योंकि शुरू में जीरो था। इसका मतलब इसका लिनियर मोमेंटम कितना है, mv2, और उसका कितना है, स्मॉल m इंटू क्या, v1 cos थीटा माइनस v2। ये एक रिलेशन तो आ गया हमारे पास, क्यों, लिनियर मोमेंटम कंजर्व है, नेट मास, मास इंटू नेट वेलोसिटी, राइट। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब क्या लगेगा, देखो ये कितना नीचे आया, यहां से यहां तक वर्टिकली कितना नीचे आया, h, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी मिला उसको, mgh लॉस हुआ, ये मिला कि लो भाई खर्च करो, वो कहां कहां खर्च करेगा, वेज का काइनेटिक एनर्जी प्लस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी। वेज की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ कैपिटल m इनटू क्या, v2 स्क्वायर, वो तो ग्राउंड के रिलेटिव में उसको दिया हुआ है। kb कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ m इनटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक स्क्वायर, लेकिन कौन सी है, नेट की रिलेटिव, नेट, और ये मैं निकलवा चुका हूं अभी, ये कितना होता है बताइए, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, क्योंकि अब की बीच का एंगल कितना हो जाएगा, कितने इक्वेशन हुए, दो, अननोन कितने हुए, दो, कौन, ये प्रॉब्लम आपको इस छोटा कर देगा, अगर ये थीटा दे देगा 30 डिग्री या 60 डिग्री और मास दे देगा 2m, तो दो इक्वेशन तर से सॉल्व हो जाएंगे, नहीं समझे, ठीक है। यहां पे एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पे यहां पे एक ब्लॉक रखा है मास m का, ये हेमिस्फीयर का मास 2m है, राइट, और आपने इसको हल्का सा स्लाइटली पुश कर दिया ना, दिस इज स्लाइटली पुश्ड, स्लाइटली पुश्ड। अब क्या हुआ, ये बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फीयर एट द मोमेंट ब्लॉक इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, ऐसा ये बात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो गई होगी, और इसकी हमेशा क्या मानोगे, इसके रिलेटिव में क्या हो गई होगी, v1 हो गई होगी, इसके रिलेटिव में v1 हो गई होगी, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये टेंजेंट हुआ, इसका वेलोसिटी v1 है, ये नॉर्मल है, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये भी कितना हुआ, 30 हो गया, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। चलो इसकी जरा एक्चुअल लिखो, एक्चुअल क्या होगी, वी वन ऐसे होगी, बोलो, और वो खुद वी टू से इधर जा रहा है, वी टू ऐसे होगी, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री, राइट। तो इसकी हम क्या लिखें, पहले इसको हम ऐसे लिखें, वी वन कॉस 60, और इधर क्या लिखें, वी वन साइन 60, और इधर क्या लिखें, माइनस वी टू, ये लिख दे एक बात तो, ठीक है। और राइट की तरफ इसका मास कितना है, एम है, तो इस सिस्टम पे यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो, और यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो पूरा खेल बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि पहला काम कंजर्वेशन ऑफ क्या, लिनियर मोमेंटम, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में।
अभी भी वही कहानी है, नेट सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, इसलिए जो टेबल रिएक्शन लगाएगा वो दोनों वेट कितना है 3 mg है, उससे कम होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। ये क्या था, रेस्ट पे दोनों थे इनिशियली, राइट, तो इनिशियल लिनियर मोमेंटम कितना था, जीरो, इसलिए हमेशा जीरो रहेगा, यानी एक का जितना लेफ्ट की ओर होगा दूसरे का उतना राइट की ओर होगा। तो राइट की ओर किसका है, एम इंटू कितना, इसका लेफ्ट की ओर कितना है बोलो, 2m into v2 लेफ्ट की ओर इज इक्वल टू उसका राइट की ओर, m इंटू कितना, v1/2 - v2। एक इक्वेशन तो यहां से बन गया, क्या बन गया, 3v2 इज इक्वल टू कितना बोलो, v1/2 यहां से आ गया, v1 इज कितना बोलो, 6v2। एक रिलेशन तो यहां से आ गया, दूसरा क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया है, यहां से यहां आ गया है, टोटल डिस्टेंस r है, ये r है, तो ये r cos 60 हो गया, ये r cos 60 हो गया, यानी r/2 हो गया, टोटल r था, ये r/2 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, r/2। तो कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी, mg इंटू कितना, r/2। ये ऊर्जा उसने दे दी कि लो तुम अब मजा करो। ठीक है, ये इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, स्फीयर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, ब्लॉक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर क्या होगा, हाफ ऑफ कितना, 2m इंटू कितना, v2 square, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा बोलो, हाफ ऑफ m इंटू कितना, इसकी नेट वेलोसिटी, पर लिख लेने दो यार, हाफ ऑफ m इंटू इसकी नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी होगी, v1 square + v2 square + 2v1 v2 cos 120। cos 120 क्या होता है, cos 90 + 30 -30 -1/2, तो ये सब हट जाएगा झमेला और 1/2 कट जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या करो, v1 की जगह उठा के 6v2 रख दो यहां पे, है कि नहीं, आ गया आंसर, नहीं समझे तुम, जमीन पत्थर की है, ऐसा होता यहां पे वो स्मूथली यहां उतर जाता, यानी जब यहां गिरता इस पे आ जाता तो कोई झटका नहीं लगता, तो कोई जर्क नहीं लगता। अगर वो ऐसा होता स्ट्रेट बिल्कुल, तो यहां तो आगे किसी एंगल पे है, वो जर्क लग जाता है कि नहीं। तो यहां से अगर ड्रॉप करते हो, हाइट h है, इसका मास m है, इसका मास स्मॉल m है, तो जब ये वापिस आएगा ग्राउंड पे तो बहुत स्मूथली उतर जाएगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तुम वेज वाले में तभी तक एनर्जी इक्वेशन लगा सकते थे जब तक वो इस पर है, जो वो उस पर से इस पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर थी, अब वेलोसिटी इधर हो गई इससे इस पर आने में, तो उसको एक झटका लग जाएगा, उस जर्क में एनर्जी लॉस होगी। तो तुम इस वाले में एनर्जी इक्वेशन तभी तक लगा सकते थे यहां से यहां तक आए, लेकिन अगर मैं इसको स्मूथ कर दूं बहुत जेंटली, वो इससे इस पर जमीन पर आ जाए, तब तो कोई झटका लगा नहीं, कोई जर्क लगा नहीं, एनर्जी लॉस हुई नहीं, तब तो जमीन पर उतरने के बाद भी तुम एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये अगर कैपिटल एम वाला V1 से इधर जा रहा है और ये V2 से उधर जा रहा है, जमीन पे उतर गया, ठीक, ऐसा कर लो, तुम एक ऐसा ले लो कोई हेमिस्फीयर,
ये मास स्वयं है, यहां से स्मॉल एम को तुमने रिलीज किया, राइट, और इसकी रेडियस क्या है, आर, राइट। जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आता है, बिल्कुल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है, तो अब इसकी वेलोसिटी वी वन ले लेना, इसकी वी टू ले लेना। अब तुमको रिलेटिव मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल है, तुम ग्राउंड के रिलेटिव में उसकी वी वन मान लो, इसकी वी टू मान लो, खत्म कर। जब एंगल पे था, क्योंकि क्योंकि नेट वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही होगी, बाई चांस लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल हॉरिजॉन्टल की दिशा में हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। तो यहां तुम्हें इसके रिलेटिव में मानने की जरूरत नहीं है, यहां तुम एब्सोल्यूट वी वन और इसका वी टू मान सकते हो, ठीक है। लिखो मत मोटे, सुन लो पहले। तो तुमने वेलोसिटी दी वी नॉट, राइट, अब सुन गया थंगे, आराम से रहो, ये हिप्पीपना छोड़ दो सब, तो जरा एक्टिविटीज ये सब छोड़ दो, ठीक है, तुमसे बात कर रहे हैं। यहां पे इसको कोई वेलोसिटी दी नहीं गई, इसको वेलोसिटी दे दी गई, अगर ये रुका होता तो आगे चला जाता, जो आगे जाएगा टेंशन रस्सी टेढ़ी हो जाएगी, टेंशन खींचेगा इसका एक कंपोनेंट इधर रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा ना भाई, ये आगे चला जाएगा ना और ये पीछे पीछे जाएगा ये, ठीक है। तो कितना बना रहा है वर्टिकल से, 60 डिग्री, वर्टिकल से 60 डिग्री जिस वक्त बना रहा है, तो इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने v2 है, और यहां सर्कल बना दिया ऐसे, बोलो, और इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, v1 है। तो v1 क्या है, उसके रिस्पेक्ट में है कि एक्चुअल है, रिस्पेक्ट में। तो अब पहला काम करें, लीनियर मोमेंटम लगाए, शुरू में लीनियर मोमेंटम, इसकी कोई वेलोसिटी थी नहीं, जो थी इसी की थी, चलो इसको भी दे लो, तुम इसको 2v0 दे दो और इसको v0 दे दो, इसको 2v0 दे दो और इसको क्या दे दो, v0 दे दो, किसी मोमेंट पे इसकी v2 हो गई और इसकी रिलेटिव में v1 हो गई, तो क्या लिखोगे, अगर तुम इस पूरे चीज को सिस्टम ले लेते हो तो किस दिशा में नेट फोर्स जीरो है, एक्स में कि वाई में, हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में, फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, जीरो है, इसलिए लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, किसमें, हॉरिजॉन्टल में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। शुरू में लीनियर मोमेंटम कितना था, 2lv0 और mv, सॉरी m into 2lv0 यानी 2lv0 और ये भी 2lv0, कितना था, 4lv0। तो शुरू का लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बोलो, फाइनल लीनियर मोमेंटम, यानी कितना आ गया, 4mv0 इज इक्वल टू कितना हो गया। अब लिखो इसकी नेट तो लिखना ही पड़ेगा, कैसे लिखोगे, v1 इधर बोलो और v2 इसका वाला इसमें ऐड कर देंगे, क्यों, ये वर्टिकल से 60 बना रहा था तो ये लाइन अभी भी वर्टिकल से 60 बनाएगी, ये हॉरिजॉन्टल है, ये 60 है, 30 और ये 60, तो ये कितना हो गया, 60 हो गया ना, इसको तोड़ो, v1 को तोड़ो तो कितना आ जाएगा, v2 इधर और कितना, v1 by 2 और इधर कितना, v1 sin 60, v1 root 3 by 2, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, 4m into v0 शुरू में लीनियर मोमेंटम था, अब कितना है, इसका मास 2m into v2, ठीक है, 2m into v2 प्लस इसका मास m into कितना, x वाली वेलोसिटी, v2 प्लस क्या, v1 by 2, ये आ गया पहला इक्वेशन, तो हमारे पास ये आ गया, m m m कैंसिल करें, ये सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 2 2 4v0 is equal to 2v2 और v1 by 2, कितना आ गया, 2v2 और v2, 3v2 प्लस कितना, v1 by 2, ये आ गया पहला इक्वेशन हमारा, ये आ गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, हाफ 2m into v0 square, हाफ mv square, हाफ 2mv square यानी mv square, और इसका हाफ m into 2v square यानी 2mv square, इसका मतलब कितनी थी, 3mv square, तो 3mv0 square इसकी एनर्जी थी शुरू में पूरे सिस्टम की, इज इक्वल टू फाइनल, इसकी एनर्जी कितनी होगी बोलो, हाफ ऑफ, इसका मास कितना है, 2m into कितना, v2 square प्लस इसका मास हाफ ऑफ m into v net square, बोलो मास m था ना, और v net square क्या हो जाएगा, v1 square प्लस v2 square प्लस 2v1 v2 cos 60, टू कट गया, कितना आया, v1 v2। अब ये दो इक्वेशन, दो अननोन, v1 और v2 दो अननोन है, और दो इक्वेशन आपके पास बने हुए हैं, सही समझे बात। यहां देखिए पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन स्ट्रिंग इज मेकिंग 60 डिग्री विद द वर्टिकल, एक कार्ट है कोई, उसमें एक स्ट्रिंग है लेंथ एल का, और वेलोसिटी वी नॉट ऐसे फेंक दिया गया,
इसका बॉल का मास एम है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सिचुएशन हमारी ऐसी होगी, ये ऐसा हो जाएगा, वर्टिकल से कितना एंगल बनाता हुआ 60 डिग्री, लेंथ एल है, मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी क्या है v2 है, और v1 क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल बना लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में v1 मान लेंगे, तो v1 इज नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू दैट कार्ट, राइट। सो यू विल राइट कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम, पहला इक्वेशन होगा क्या, किस चीज का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इसका तो जीरो था, एम वी नॉट इज इक्वल टू कितना हुआ बोलो, इसका कार्ट का मास 2m था ना, 2m इंटू v2, ये तो हुआ ही, एम वी नॉट इज इक्वल टू क्या, 2m v2 प्लस कितना बोलो, m इंटू कितना बोलो, ये 60 है तो ये भी 60 होता है, बोलो इसका नेट लिखो पहले, v1 इधर और v2 इधर, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, तो नेट कितना हो जाएगा, m इंटू इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट, v2 प्लस v1 मास 60, यानी कितना, v2 प्लस v1 बाई 2, यही ना, ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी दिया था आपने सिस्टम को, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू कहां कहां गया, सुनिएगा ध्यान से, आपकी बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, आपने इतनी ऊर्जा दी थी जो खर्च हुई, जो अभी इतनी पड़ी बची हुई है आपके पास कार्ट के पास, कितनी, हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर तो गाड़ी के पास है आपके, ठीक है, और प्लस ब्लॉक के पास कितनी बची है, हाफ ऑफ m इंटू कितना, इसका नेट वेलोसिटी कितना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस क्या, 2v1 v2 cos 60, राइट, और प्लस इतना उठाने में खर्चा हो गया, वही ऊर्जा तीन जगहों पे खर्च हुई है, ब्लॉक की वॉल में बची हुई है, गाड़ी में चली गई और उठाने में चली गई, ये डिस्टेंस l है तो ये कितनी हो गई, l cos 60, तो ये भी कितनी हो गई, टोटल l थी तो l में से l घटा दिए, प्लस mgh, h कितना हो गया, l by 2, ये एनर्जी इक्वेशन हमारा आ गया, दो इक्वेशन दो अननोन हो गया, नहीं समझे, फिर से बता दें, ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने दी थी ये खर्च हुई कहां कहां, इसमें बची है नेट वेलोसिटी, इसमें बची है और कितना उठाने में इतना खर्च हो गया, ठीक है। अब आइए, तो ऐसे में मैं कहता हूं कि ठीक है, ओके, यहां पे रिलीज किया गया, यहां से इसको रिलीज किया गया, राइट, और जब ये ऐसा हो गया तो क्या क्या कर सकते हैं, पहला काम क्या करेंगे बोलो, इससे ये होने की प्रक्रिया में क्या लिखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शुरू में तो जीरो था, इन सब में शुरू में जीरो नहीं था, ठीक है, सब में कुछ था, अभी शुरू में जीरो था, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ जितना लीनियर मोमेंटम है इज इक्वल टू क्या, राइट की तरफ, लेफ्ट की ओर कितना है, इसको 2m ले लो, ठीक है 2m ले लो, तो लेफ्ट की ओर कितना हो गया 2m v1 इज इक्वल टू राइट की ओर कितना हो गया m v2, यहां से क्या आ गया v2 इज 2v1, एक तो ये आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, एनर्जी, कितने एनर्जी लॉस हुआ, पोटेंशियल mgh नीचे आया ये यहां से आते करने में, तो mgh इज इक्वल टू कहां कहां ऊर्जा बटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ क्या m इंटू v2 स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ ऑफ 2m इंटू क्या v1 स्क्वायर, राइट। इन दोनों को सॉल्व करके तुम क्या पालोगे, v1 और v2 पालोगे, लेकिन बात यही नहीं रुकती है, बात ये रुकती है कि आगे जाके एक और वेज मिल जाता है उसको, तो ये उस पर चढ़ जाता है, तो क्या अभी भी h ही चढ़ेगा, उससे कम चढ़ेगा, कम चढ़ेगा, क्योंकि उसकी mgh का कुछ हिस्सा ऊर्जा लेके ये भाग गया है, तो अब उसके पास ताकत कम बची हुई है ना, तो इस पर कितना चढ़ेगा ये निकालना पड़ेगा, राइट। तो पूछा क्या है, फाइंड मैक्सिमम हाइट रेज्ड बाय ब्लॉक ऑन राइट वेज, राइट वाले वेज पे वो मैक्सिमम कितनी हाइट चढ़ेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा कि ठीक है भाई, हम इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल चुके हैं, v1 तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, v2 निकाल चुके हैं हम, ऐसा इक्वेशन में सॉल्व करना कि v2 ही आए, ये नहीं कि v1 आए फिर वापस रख के v2 पाओ, डायरेक्ट v2 ही पा लेना। जब v2 तुम पा लिए तो अब क्वेश्चन का नेचर ही बदल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रह गया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये हो गया कि भाई ऐसा हुआ कि एक वेज यहां पे रखा हुआ है और यहां पे एक ब्लॉक है मास m का जो कि v2 वेलोसिटी से आ रहा है और ये मास 2m है, बोलो, राइट।
हुआ क्या है कि जब ये बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे अपने होगा, राइट, ओके, सुनना इस बात को बहुत ध्यान से, जब ये एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो ये अब और नहीं चढ़ पाएगा, यानी ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन ये तो चलता रहेगा ना V3 से, बोलो, और ये भी चलता रहेगा V3 से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों जो है गैप मिल जाएगा। कौन वाली वेलोसिटी जीरो होगी, जिससे वो ऊपर, इसके रिलेटिव वाली वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ये दोनों तो साथ जा ही रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि यहां पे एक बॉल है, हमने इसको फेंक दिया, बताओ कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब होगा जबकि ये इसके रिलेटिव में ये वाली वेलोसिटी जीरो हो जाए, हम अंदर बैठ के देखेंगे और नहीं चल सकता है, लेकिन इन दोनों का ये वाला तो वही रह जाएगा, राइट। यहां भी मैं बात कर सकता हूं कि बताओ इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, लेकिन इसके रिलेटिव में जो थी वो जीरो हो जाएगी। अब फिर दोबारा ऊपर आने कोई मतलब है नहीं, जब आप ये कर सकते हैं तो V1 को जीरो कर दीजिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा, है कि नहीं, यहां भी V1 को जीरो कर दीजिएगा बाद में। तो यहां ये जितना चढ़ना था, मान लो ये H डैश हाइट और राइज कर गया, ठीक है, तो अभी भी तुम अब इसको इसको सिस्टम मान लो, तो कितना लीनियर मोमेंटम था, ये तो रेस्ट पे था शुरू में, दिस इनटू दिस V2 आप निकाल चुके हैं, क्या लिखिएगा, MV2 इज इक्वल टू कितना, दोनों का मास, इसका मास 2m, इसका मास m, m2mv3 और mv3 कितना, 3mv3, पहला इक्वेशन तो ये बन गया, सही समझे। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या होगा, कितनी ऊर्जा थी हमारे पास, हाफ mv2 स्क्वायर एनर्जी थी, वो कहां कहां खर्च हुई, एक तो इन दोनों की वेलोसिटी में, दोनों के वेलोसिटी कितनी है, v3 है, तो दोनों का मास इकट्ठा जोड़ दो, हाफ ऑफ कितना, 3m इंटू क्या, v3 स्क्वायर, है कि नहीं, बात एक ही, अब तो चिपके हुए हैं, अब जानूंगा, ठीक है, अब वापस वो नीचे आएगा, खैर वो बात उस मोमेंट की बात कर रहे हैं। प्लस क्या चीज, प्लस इसको उठाने में कितना, MgH-, तो पहले आप या इन दोनों के बीच लगाए, राइट, और उससे V2 निकाल लिए, फिर उस V2 को इसके साथ फिर से लगाए और फिर लगाए, तब आपको जाके H- मिले, नहीं समझे, चलिए मिलते हैं अगली बार।